अगर आप भी मेरी तरह मोमोज के दीवाने हो और स्टीम्ड और फ्राई मोमोज के फ्लेवर से पक चुके हो, तो आपको ये तंदूरी मोमोज का नया फ्लेवर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया है। और वैसे तो इसे बनाने के दो तरीके हैं, आप या तो घर पे मोमोज बना सकते हो तो घर पे मोमोज बना लेना, लेकिन अगर आप नहीं बना सकते तो आप मार्केट से ले आना मार्केट से ले आना या फिर घर पे बना लेना। तो चलिए इस तड़कते भड़कते और गर्मा गर्म मोमोज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग बाउल लिया है स्टफिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 100 ग्राम पत्ता गोभी डाल दिया, एक बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है, 3-4 बारीक कटे हुए मिर्चे डाल दिए हैं और अदरक और लहसुन को बारीक काट कर डाल दिया। इसके अलावा यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ नमक। नमक डालने के बाद इसे हम कर लेंगे मिक्स, ताकि जो नमक है वो सब्जियों में अच्छे से मिल सके, उनसे दोस्ती कर सके। तो नमक मिलाने के बाद यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं उन्होंने मॉइस्चर छोड़ना चालू कर दिया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं थोड़ी सी सब्जी को इस तरह से ले रहा हूँ तो कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। तो इसलिए पानी को हम कर लेंगे सेपरेट, किसी कपड़े से या फिर हाथों से ही कर लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे मोमोज की रोटी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मैदा लिया, उसमें नमक डाल दिया और उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसमें हम लगा देंगे पानी। अब हमें लगाना है डो, जैसे कि भटूरे का बनता है, लेकिन भटूरे के डो में हमें रिफाइंड डालना होता है, लेकिन इसमें रिफाइंड नहीं डालना, ऐसे ही सिंपल डो लगा लेना है। लेकिन लगाना सॉफ्ट ही है, या तो हार्ड मत लगाना या ज़्यादा सॉफ्ट मत लगाना, मतलब मीडियम दर्जे का एक डो लगा लेना है। ये देखिए डो कितना सॉफ्ट है, इसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो वापस उछल के वापस आ रहा है। डो तैयार है और हमारे स्टफिंग तैयार है। तो उसके बाद मैं मोमोज को बेल रहा हूँ। यहाँ पर ना चिपकने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिफाइंड लगा दिया ताकि ये चिपके ना। आप सूखी मैदा का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इस लोई की रोटी बना लेनी है। रोटी कैसी भी हो, या तो चौकोर हो, ट्राइंगल मतलब ट्राइंगली हो, या कैसी भी हो, मोमोज बनेगा आपका, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। सेंटर में स्टफिंग डालनी है और एक हाथ से इसे पकड़ लेना है और एक हाथ से और उंगली से इसे पिंच करते जाना है इस तरह से, और दूसरे हाथ के अंगूठे से स्टफिंग को अंदर धक्का देता जाना मतलब उसे अंदर प्रेस करते हुए जाना है, और जो मोमोज है वो बन के तैयार हो जाएगा। एक और मैं बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो रोटी है उसे बेल लेना है, उसे बीच हाथ में रख लेना है, और उसके बाद बीच में सबसे स्टफिंग डालेंगे, और उसके बाद एक हाथ और उंगली से मतलब एक हाथ के अंगूठे और उंगली से पिंच करते रहना, और दूसरे अंगूठे से उसे प्रेस करते रहना है, और उसे इस तरह से गोल सा बना लेना है। गोल इसे नहीं बनाना है क्योंकि अगर हम लंबा बनाएंगे तो वो तंदूरी मोमोज में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मेरे 10 से 11 मोमोज बन के तैयार हो चुके हैं। वैसे एक क्वेश्चन होता है आपका कि ये मोमोज होते हैं या फिर यार मोमो होते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ, ये मोमो है और ये मोमोज है। वैसे तो जहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई थी वहाँ पे मोमो ही नाम था, लेकिन मोमोज 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 करते चलते हैं और जो चर्चा में होता है वही नाम बन जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर तेल लिया, गर्म कर लिया मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद यहाँ पर डाल दिया मैंने तेल में मोमोज। वैसे तो आप इन्हें फ्राई ना करके स्टीम भी कर सकते हो, लेकिन स्टीम में वो मज़ा नहीं है जो फ्राई में है। हमें इन्हें सैलो फ्राई करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बीच बीच में से चला रहा हूँ ताकि इवनली चारों ओर से ये फ्राई हो जाए। जैसे ही बहुत हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर, जब ही आपको इन्हें निकालना है। आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो मोमोज हैं उनके ऊपर जो हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होता है ना, वो आ चुका है, क्रीमी कलर जो होता है, जिसे आप स्किन कलर भी बोलते हो यार, देखो वही कलर आ चुका है। अब इन्हें हम थोड़े थोड़े करके निकाल लेंगे, ज़्यादा मत निकालना, कभी इधर उधर गिर जाए, ज़्यादा प्रो मत बनना। अगर आप प्रो तो सही बात है यार, फिर क्या बात करूँ आपसे उसके बाद मैंने यहाँ पर मैरिनेशन के लिए मिक्सिंग बाउल लिया, उसमें 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च, ये कलर देगा और मिर्च नहीं देगा, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी जो कि मैंने क्रश कर दी थी, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर है, और तड़का लगाने के हमने सरसों का तेल लिया और उसे गर्म कर लिया था और उसे डाल दिया मैंने। उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। जो बैटर होगा
वो थोड़ा सा थिन होगा, मतलब कि हल्की सी कोट होगी उसकी मोमोज के ऊपर। तो इसे अच्छे से इवनली मिक्स कर लेना है ताकि जो बेसन के जो गोली हैं वो गोली ना रह सके, वो मिक्सचर बन जाए, मतलब जो लम्स है वो ना रहे। उसके बाद मैंने नमक डाला, नमक डालने के बाद इसे फिर से मिक्स कर लेंगे, इवनली मिक्स कर लेना आपको, अच्छे से बैटर बना लेता है, कुछ भी बोल देते हो मेरी बैटर कुछ भी। उसके बाद मैंने मोमोज डाल दिए, मोमोज डालने के बाद इन्हें हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि जो हमारे मोमोज हैं वो शैलो फ्राई हैं, अगर डीप फ्राई होते तो हम अच्छे से मिला देते, लेकिन शैलो फ्राई हैं तो ये टूट सकते हैं, अगर पता चला तो मोमोज ही टूट गया है आपके। तो हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे, जो मैरिनेशन की कोट है वो इवनली चारों ओर आ जाए। उसके बाद मैंने मोमोज को इस तरह से गोल में एक गोला सा बना दिया है, और उसके बीच में रखा है मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर की एक कटोरी, अब वैसी कटोरी भी रख सकते हो। उसके बीच में रख दिया मैंने जला हुआ कोयला जो कि बहुत गर्म है, और उसके ऊपर थोड़ा सा घी, हम इसे धुंगार लगाएंगे, हिंदी में धुंगार ही बोलते हैं इसे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ढक दिया इसे, और जो छेद है उसमें मैदा लगा दिया हल्का सा, ताकि जो धुआं है वो बाहर ना आए, और इसका जो फ्लेवर होगा आप सोच नहीं सकते कि इतना बढ़िया होता है। एक से दो मिनट बाद आप देख सकते हो जो धुआं है वो अभी भी अंदर है, और ये देखें कितनी बढ़िया तरीके से बाहर निकल चुका है। अगर आप उसके बाद इसे स्मेल करोगे तो आपको जो खुशबू आएगी वो बहुत ही बढ़िया आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई करना, तभी तो आपको पता चलेगा ना कैसी स्मेल आएगी, ठीक है? ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी, और कमेंट में भी डालना कैसी लगती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक सीख ली है, आप सीख कैसे भी ले सकते हो, लकड़ी की भी ले सकते हो, स्टील की भी ले सकते हो। उसके बाद सीख में इस तरह से इसे स्क्रू कर देना है, चारों मोमोज को मैंने इस सीख में लगा लिया है। अब करेंगे इन्हें ग्रिल। ग्रिल करने के लिए मैं यहाँ पर गैस का यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोयले का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोयले हों तो कोयले पे करना, उससे अलग ही फ्लेवर आएगा, जो कोल का फ्लेवर होता है ना वो बिल्कुल ही अलग होता है गैस से। तो गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पर जला लिया है यहाँ पर, और उसके बाद हम करेंगे इसे ग्रिल, थोड़े ऊपर करना ताकि जो ब्लैक स्पॉट्स आए वो थोड़ी देर बाद आए। ये देखिए ब्लैक स्पॉट्स थोड़ी देर बाद आने भी शुरू हो चुके हैं, और इसे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ हमें ये ब्लैक स्पॉट्स आवा लेना है। और इसे अभी हम 50% कुक करेंगे, क्योंकि अभी हम इसे सेकेंड राउंड के लिए ले जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर बटर लगा दिया है, आप घी ला सकते हो, बटर लगा सकते हो, आप रिफाइंड लगा सकते हो। उसके बाद मैंने फिर से इन्हें ग्रिल कर लिया है, हाथ मत जला लेना, आराम से ग्रिल करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और उसके बाद जो हमारे तंदूरी मोमो हैं आप उन्हें देख ही सकते हो, हरी चटनी के साथ और प्याज के साथ कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, और खाने में तो और बढ़िया लगेंगे, ट्राई ज़रूर करना।